हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जवान फिल्म रिलीज़ होने के बाद उसने छप्पड़ फाड़ के कमाई और उसमें लीड रोल प्ले कर रही नयनतारा को भी फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट हुई और उसके बाद नयनतारा दक्षिण की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक हो गई। वहीं नयनतारा की बात करें तो सितंबर में नयनतारा की दो फिल्में रिलीज़ हुई थी। जैसा जवान के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी इराइवन। उन्होंने जवान से हिंदी में डेब्यू किया था और इस फिल्म में उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। जवान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित की जा चुकी है, जबकि इरावती औसत के नीचे ही रही। और उनकी इस पॉपुलैरिटी को देखने के बाद कई मूवी के ऑफर्स उन्हें आ रहे हैं। कई डायरेक्टर्स चाहते हैं कि वो उनकी फिल्म में लीड रोल प्ले करें। जवान के बाद वह कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, कहा जा रहा था कि नयनतारा रत्ना कुमार के निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म में राघव लॉरेंस के साथ पहली बार मुख्य भूमिका निभाएंगी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने कदम को पीछे खींच लिया है। आइए आपको बताते हैं पूरी बात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की वजह डेट्स के टकराव को बताया जा रहा है। वहीं अब रत्ना कुमार कथित तौर पर राघव लॉरेंस के साथ अपनी फिल्म के लिए एक नई स्क्रिप्ट बना रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि प्री प्रोडक्शन का काम फिनिश लाइन तक पहुँचने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। राघव लॉरेंस की बात करें तो हाल ही में अभिनेता की फिल्म चंद्रमुखी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। यह फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कतई कामयाब रही। प्रासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई की रफ्तार काफी सुस्त है और वह रजनीकांत की फिल्म जैसा जादू नहीं चला सक रही। तो आपको क्या लगता है, क्या नयनतारा का यह कदम उठाना ठीक था? क्या इनके फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नयनतारा को शाहरुख की अगली फिल्म में होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।